हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। तो चलिए आज परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैंने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे आगे की सीरीज आगे बढ़ेगी। चलिए क्लास आगे देखते हैं। देखिए जो क्लास है, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, उससे उसके बाद इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लास क्या है। लास्ट क्लास में मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी बेसिक था। आज भी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कितने परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत कितने पैसे 6/1/4% 20 रुपया होगा। ठीक है, बोला है कितने पैसे 6/1/4% 20 का होगा, 20 रुपया का होगा। मतलब 20 रुपये जो दिया है ना क्वेश्चन, 20 रुपया का ये कितना होगा 6/1/4% वो बोला है यहां पर। ठीक है, ये कितना होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। तो कभी भी ये मिक्स फ्रैक्शन में परसेंट दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए। तो इसको सॉल्व करना है, इसको तो हम सॉल्व करते हैं, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 4 जा और ये ऊपर 1 और नीचे 4, तो कितना हो जाएगा 25/4% इतना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना पैसा होगा 20 का, ठीक है वो देखना है। देखिए मैंने एक चीज बताया है ना, कितने पैसे 20 का होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बोला हम बताए ना ये कंसेप्ट है। तो बोला गया है 20 का कितना होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखिए ये कितना आ रहा है 25/4 इतना आ रहा है। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, कभी भी कोई नंबर होगा जिसको नंबर मिलाना है ना, परसेंट से नंबर मिलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर नंबर से परसेंट मिलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और नंबर से नहीं परसेंट से नंबर मिलाना है तो 100 से डिवाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, तो ये 5 और ये 5/4, ठीक है, कितना आ रहा 5/4, तो कितना आ गया 1/1/4 रुपया, ये पैसे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट अब याद रखोगे जो मैंने बताया है, अगर किसी परसेंट को नंबर मिलाना है, ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर किसी नंबर को परसेंट मिलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं आगे। सॉरी ये डस्टर नहीं है, सही है, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो बोलता है, टीवी का जो प्राइस है, टीवी का प्राइस 10
थाउजेंड है, ठीक है, अब 10% बढ़ जाता है, ठीक है, तो मूल कितना होगा, मूल्य कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये 10,000 है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताया है, ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कभी भी परसेंट होता है ना, परसेंट होता है तो ये 100 होता है, कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो बोला है कि 10% बढ़ जाता है, तो किसका बढ़ रहा है 10%, 100 का 10% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। तो अब कितना हो जा रहा है, ये 100 प्लस कितना हो जाएगा, 1, तो ये 101 आ जाएगा, ठीक है। तो 10% बढ़ रहा है किसका, 100 का, ठीक है, तो 101 इतना आएगा। तो देखिए, देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो 1000 है, ठीक है, 10,000 है, ठीक है, इसका हम 101% निकाल देंगे, ठीक है, 101% निकाल देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10% है ना, 110, तो 110 निकालेंगे, ठीक है, 110, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखिए कभी भी मैंने बताया है, जो प्रीवियस वीडियो देखिएगा उसमें, कि अगर 1000 का 110 कितना होगा, ठीक है, 1000 का 110 कितना होगा, तो इसको लिखेंगे हम 1000 इंटू 1 बाई 110 बाई 100, इस तरह से निकाला जाता है, मैंने बेसिक बताया, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 0 हो रहा है, 1 2 3 और ये 11, तो 11,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 11,000 रुपया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिक्रीमेंट का बोला है, टीबी का मूल्य तीन थाउजेंड, अब 8,000 हो गया, अब 8,000 हो जाता है, तो देखिए कितना कम हो रहा है, ठीक है, कितना कम हो रहा है, तो देखिए ये पहला मूल्य है, ये पहला मूल्य है और ये बाद का मूल्य है, ठीक है, 8,000 बाद का मूल्य है, ठीक है, तो कितना कम हो रहा है, तो 10,000 में हम 8,000 डिवाइड कर दे, सॉरी घटा देंगे, तो कितना कम हो रहा है, 2,000 कम हो जा रहा है, कितना कम हो रहा है, 2,000 कम हो जा रहा है, तो देखिए किससे कम हो रहा है, तो 10,000 से कम हो रहा है, तो 10,000, ठीक है, तो इससे कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है ना, तो ये 2000 इंटू 100, क्योंकि नंबर में है, तो है ना, इतना हो गया, कितना परसेंट कम हुआ है, वो पूछा है कितना परसेंट कम हुआ, कितना परसेंट कम हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, ये 2 0 कटेगा, ये 2 0 कटेगा, ये 2 0 कटेगा, ये 2, ये 2, ये 2, मीन्स 20% कम हो रहा है, ठीक है, 20% यहाँ पर कम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मैंगो का प्राइस
₹20 है, 10% कम हो गया, ठीक है। तो अब कितना रुपया उसका हो जाएगा प्राइस, ठीक है, कितना हो जाएगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमेशा क्या होता है 100, ठीक है 100, तो 10 माइनस करेंगे तो 90%, ठीक है 90% हो जाएगा ना, ठीक है। तो 20 है हमारा, ठीक है 20 है हमारा, और इसका 90% निकालना है 90/100, ये 0000 कट जाएगा तो ये अब 18 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब 100% ये 100% था, अब ये 90% बच रहा है, तो 20 का 90% निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन बोला है ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने अपना नंबर 15% बढ़ाकर बताया, ठीक है 15% बढ़ाकर बताया, तो उसका नंबर 575 हो गया, ठीक है इतना बढ़ाकर बताया था, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, तो तभी घट रहा था, 100 होता है परसेंट, 100 होता है, ठीक है। तो देखिए 15% ये बढ़ जा रहा है, 15% बढ़ा के बता रहा है, तो कितना बता रहा है अब 115% ये बता दे रहा है कि 115% नंबर बता रहा है, 100 हो रहा है, 100% होता है फॉर्मूला, ये परसेंट का बेसिक है, और 15% बोल रहा है बढ़ जा रहा है, बढ़ा के बता रहा था, अब 115% हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 575, कितना दिया हुआ है 575 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 575 और ये 115/100, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है, 575/115, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 5 टाइम्स ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500, इसका 500 नंबर था लेकिन 15% बढ़ाकर बताया था, तो कितना हो गया था 575, इसका जेन्युइन नंबर है 500, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए एक कर्मचारी का वेतन 8000 है, ठीक है, अब कम होकर 5200 हो गया, ठीक है कम होकर 5200 हो जाता है, ठीक है। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, अब हमको ये देखना है, ठीक है। देखिए 8000 था, ठीक है, अब 5200 हो जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है, तो 5200 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये 2800 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 2800 कम हो रहा है, किस में से 2800 कम हो रहा है 8000 में कम हो रहा है, किस में 8000 में। तो मैंने बताया है कि ये टोटल
आपको देखिए टोटल और लेस है ना, ये मैंने बताया 100, आप बेसिक उठा कर देख लो ठीक है, कितना कम हो रहा है 2800 और ये 8000, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ठीक है, अब कितना 28 ठीक है, ये 42 जा तो 47 जा और ये 0 तो 435 जा, तो ये 35% कम हो गया ठीक है, कितना कम हो रहा है 35% कम हो रहा है ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, लेस बाय टोटल इनटू 100 ठीक है, बन जाएगा। मैं और क्वेश्चन बोला है कि ए की आय, ए की आय, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है ठीक है, ज्यादा है ठीक है, तो मैंने एक बेसिक बताया था ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है, तो ए की आय कितना अधिक है, ए की आय कितना अधिक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, एक मैंने बताया है कि कभी भी ए की आय बी की आय से कुछ परसेंट ज्यादा हो जाता है, उसका डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था ठीक है, तो क्या बताया था कि ए की वृद्धि और ए की वृद्धि प्लस 100 प्लस ए की वृद्धि, ए का जो बढ़ रहा है ठीक है, ये बताया था ठीक है ना, ये बताया था, तो कितना हो जाएगा, ए की वृद्धि 14% है और ये कितना है 140 हो जाएगा, 40 जोड़ देंगे तो, और ये 100, ये कटेगा ये कटेगा, सॉरी ए की कटेगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ठीक है, और ये 5 से कटेगा ये 7 से कटेगा, तो कितना हो गया ये 200 और ये 7, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 8 = 56 और ये 4, ये इतना परसेंट ज़्यादा बढ़ रहा है ठीक है, ए की आय कितना, इतना 28/4/7% ठीक है, अगर इसी में अगर घट जाता है 40%, 40% क्या हो रहा है, कम है, कम है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 40 को कर देंगे तो 60 हो जाएगा और ये 40 100 ठीक है, तो देखिए ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा और ये 3 आ जाएगा, तो 200/3 तो कितना हो जाएगा 66 ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगा ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है ठीक है, तो आप इसे देखें, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार किया है। थैंक यू।